अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे पास ये सिलाई मशीन आई है जो कि ना धागा बहुत तोड़ रही है। ये देखो धागा तोड़ गई, ये देखो मैं धागा डालता हूँ, धागा नीचे से ना वैसे ही कट कर रही है, धागे को तोड़ रही है। तो ये कहाँ से तोड़ रही है, ये नीचे शटल जो है ना, शटल से धागा तोड़ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों तोड़ रही है, किस वजह से तोड़ रही है। ये देखो नीचे धागा इकट्ठा कर लेती है, उसी वक्त तोड़ देती है। ये देखो फिर तोड़ गई धागा, ये आपको नजर आ रहा होगा, फिर तोड़ गई दोस्तों। ये देखो सिलाई भी छोड़ रही है, ये देखो ये आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो सिलाई भी दरमियान से छोड़ रही है, कहीं कहीं से ये टांका भी छोड़ रही है। और ये किस वजह से धागा छोड़ रही है, क्यों छोड़ रही है, क्यों धागा काट रही है नीचे से, बिल्कुल धागे को ना काट देती है, किस वजह से काट देती है, मैं आपको वजह बताता हूँ क्या मसला है। ये आपको खोल के ताकि आपको ना आसानी से समझ आ जाए, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैं हर चीज को खोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्यों तोड़ रही है, क्या मसला है, किस वजह से तोड़ रही है। पहले ये देखो दोस्तों सुई को चेक करें, लेकिन सुई इसकी मैंने न्यू लगाई हुई है। नहीं। इस डब्बी को भी निकाल लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको ये देखो इस नट की वजह से धागा तोड़ रही है, आपको नट नजर आ रहा होगा वीडियो में। ये दोस्तों ये नट नजर आ रहा है, इस नट की वजह से ना सिलाई मशीन धागा तोड़ रही है। ये जो नट है यहाँ से धागा अड़ता है, यहाँ से जब धागा गुजरता है ना दोस्तों तो यहाँ पे अटक के धागा उसी वक्त ये नट काट देता है। ये नट ऊपर आया हुआ है, मैं आपको ना अच्छी तरह दिखा देता हूँ, ये बक्स खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बता दे। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखा करो, हर पार्ट की हर फॉल्ट की मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, जो भी सिलाई मशीन में फॉल्ट आ जाता है, जो भी मसला आ जाता है उसकी अलग अलग वीडियो बनाई जाती है, कुछ टिप्स वगैरह भी बताई जाती है ताकि घर में ना इस्तेमाल करके आप उनको ठीक कर सको। ये दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो ये पेच ऊपर कितना उभरा हुआ नजर आ रहा है। इसको आपने क्या करना, कोई भी पेचकस लेना है, छोटा सा पेचकस या टेस्टर की मदद से ना इसको आपने ना फुल टाइट कर देना। ये देखो फुल टाइट करना है, टाइट करने के बाद आपने दोस्तों एक और काम लाजमी करना है, अगर आपके पास रेग मार है ना तो रेग मार की से ना दोनों पेच को आप टाइट कर देना है, तो दूसरा भी लूज है तो उसको भी इस तरह का पेचकस अगर आपके पास होगा या कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ये चार जो है ना इसके चार है मुंह, चार मुंह वाला इसको बोलते हैं, तो आपने दोस्तों ना रेग मार लेना है। ये दोस्तों रेग मार की मदद से ना आपने अच्छी तरह इसको ना साफ कर लेंगे, ताकि ये नट की वजह से आपका धागा ना कटे ना टूटे, कोई मसला ना आए और सिलाई भी अच्छी आए। ये एक छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन आप जब भी सिलाई चलाओगे ना तो बार बार धागा कटे। ये देखो क्या अब इधर अब आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये देखो यहाँ से भी सिलाई मशीन ने टांका छोड़ा हुआ है, यहाँ से भी सिलाई मशीन ने टांका छोड़ा हुआ है, ये धागे को काट रही है। अगर तेज ये देखो अगर मैं तेज से चलाता हूँ तो बिल्कुल धागे को नीचे से काट रहा था, किस वजह से, एक नट की वजह से सिलाई मशीन बार बार धागे को काट रही थी। तो आपने देखना है कि हमारा धागा कहाँ से कट रहा है, धागे काटने के या धागे टूटने की काफी वजूहत होती हैं, सुई भी हो सकती है, डिग्बी भी हो सकती है, शटल भी हो सकती है, लेकिन ये कैरियर का जो नट है ना, कैरियर का नट, उसकी वजह से ये तोड़ रहा था। इसको आपने अच्छी तरह साफ करना है दोस्तों, अच्छी तरह।
साफ करने के बाद आपने दोस्तों इसको लगा लेना है। ये बक्स को आपने सीधा लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे इसको खोला है वैसे इसको लगा देना है। और ये जो बक्स के पेटन है इनको आपने अच्छी तरह टाइट करना है। दोस्तों ये एक हमारा सब्सक्राइबर था, वो भी कह रहा था कि हमारी सिलाई मशीन का बार बार धागा तोड़ रही है। तो उसको मैंने काफी बात बताई लेकिन उसको समझ ना आई। उसको मैंने बाद में कहा कि वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल जब की तो उसी का भी यही मसला था। तो ये आज हमारे पास एक सिलाई मशीन आई है बनने के लिए, तो इसमें मैंने सुई को भी चेक किया, डब्बी को भी चेक किया, बाकी सब ओके था। लेकिन मुझे जब मैंने देखा ना तो यहाँ से ये धागा काट रही थी, क्योंकि जब आस्था से नीचे से हम धागा उठाते हैं उसी वक्त पता चल जाता है कि सिलाई मशीन कहाँ से धागे को काट रही है, क्या कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोस्तों मैंने आपको डब्बी लगाकर बता दी है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नीचे से धागा जब आता है तो पता चल जाता है कहाँ पे धागा अड़ रहा है, कहाँ पे धागा अटक रहा है, जब हम चलाते ना उसी वक्त पता चल जाता है। तो दोस्तों ये देखो मैंने सिलाई मशीन को ना अब धागा डाल लिया है। तो ये देखो बिल्कुल आराम से धागा ऊपर आया है। ये धागा आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो अगर धागा आपका कहीं पे अड़ रहा है तो फिर समझ ले आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी। ये देखो सिलाई मशीन अब मैं ऐसे भी चला रहा हूँ तो ये सिलाई मशीन ना धागा नहीं तोड़ेगी। मैं धागा तोड़ेगी, खाली धागा चला रहा हूँ, ये मैं तोड़ रही। ये देखो अभी भी नहीं इसने तोड़ा। दोस्तों अब डब्बी निकाल लेते हैं, डब्बी निकालने के बाद हम इसको इसकी ये सुई प्लेट लगाते हैं। दोस्तों दूसरा आपने गौर करना है कि ये सुई आपकी ना सेंटर में चले, ये सुई प्लेट के भी सेंटर में चले और पांव के भी सेंटर में। अगर सेंटर में नहीं होगी तो फिर भी आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ेगी, सुइयां भी तोड़ेगी। जो आज का हमारा मौजू था, जो आज का फॉल्ट था, जो यानी कि सिलाई मशीन एक नट की वजह से धागा तोड़ रही थी। ये देखो ये इसकी सुई बिल्कुल सेंटर में है, ये देखो बिल्कुल सेंटर में है। अगर सेंटर में नहीं होगी तो उसके सेंटर सुई का सेंटर करना है, पटड़ी का जो सेंटर करना है का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इस पे मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी, एक नट की वजह से सिलाई मशीन में धागा तोड़ रही थी। लेकिन ये सब्सक्राइबर बार बार कह रहे थे कि इस पे ना वीडियो बना दे इसको कैसे ठीक करना है। इस वजह से मैंने फिर आज ना वीडियो बनाई है, दोबारा से तसल्ली से बनाई है ताकि हर चीज का ये देखते। ये थोड़ा सा पांव इस साइड पे है, सेंटर में नहीं है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको खोलते हैं। इस पांव का भी सेंटर करना है। अगर दोस्तों पांव का सेंटर नहीं होगा ना तो आपकी सिलाई मशीन धागा भी तोड़ेगी और सुइयां भी तोड़ेगी। ये पेच होता है यहाँ पे, ये पांव का जो गज ब्रैकेट का पेच होता है इसको हल्का सा आपने लूज करना है पेच का, फिर इसको टाइट कर देना। दूसरा ख्याल करना है कि जब भी आपने पेच लूज करना है ना तो जो पांव को ऊपर रख के करना, नीचे रख के नहीं करना, फिर आपकी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगी। ऊपर रख के लूज करना है, वहां से आपको इसको ना ऐसे ऐसे सेट कर देना जिधर से लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा था हमने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया है, इस तरफ लग रहा था इसको इस तरफ कर दिया है। करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने टाइट कर लेना। ये देखो अब हमारा बिल्कुल स्विच सेंटर में है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब हम सिलाई लगाकर भी आपको बताएंगे कि हमारी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है क्या करती। पहले तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, या चलती थी तो ये धागा तोड़ देती थी, क्योंकि धागा जो ना नट जो कैरियर का नट था उसके साथ टकराता था, टकराने के बाद उसी वक्त टूट जाता था। हम आपको सिलाई लगाकर बताते हैं, दिखाते हैं दोस्तों।
200 ज्यादा वीडियो, ये काफी लंबी भी बन सकती है वीडियो, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा लंबी नहीं बनाई, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है। अक्सर लोग बहुत लंबी बना देते, लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है कि सिलाई मशीन धागा, ये देखो उसी सिलाई के साथ ही मैं लगाऊंगा, आपने सिलाई भी चेक कर लूंगा, ये देखो कोई सिलाई मशीन धागा नहीं तोड़ रही, कोई कुछ नहीं डाल रही, ये देखो सिलाई बिल्कुल ओके। मैं वो बाहर भी दिखा देता हूँ, बाहर निकाल के इधर भी आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए ये पहले वाली सिलाई भी खराब थी, ये कट कट कर रही, दूसरे वाली सिलाई भी आपको नजर आ रही होगी, बाहर भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये आपकी सिलाई जो ये टांगा थोड़ा सा बड़ा किया हुआ था कि आपको अच्छी तरह पता चल जाए, टांगा थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो आपकी सिलाई और भी प्यारी आएगी। ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ये पहले नीचे इस तरह कर रही थी, ये नट की वजह से धागा अड़ रहा था तो इस तरह कर रही थी, अब ये नीचे की सिलाई, दूसरी सिलाई चेक करो, दूसरे नंबर पे जो लगाई हुई। दोस्तों अगर कोई भी आपकी सिलाई मशीन को कोई भी मसला है तो कमेंट्स में बता दिया करें, या मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर आप बता दिया करें, वीडियो सेंड कर दीजिए, उसका मैं हल निकाल के आपको सेट करवा दिया करूंगा। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें।